अक्सर आपने सुना होगा ड्रीम इलेवन की बात करें, आईपीएल मैच, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं और उसमें पैसे भरते हैं और फिर उम्मीद पे बैठते हैं कि कब ड्रीम इलेवन में हमारा मैच जो है हम जीतेंगे और कब हम विनर बनेंगे और कब हमारे खर्चे जो है, जो लेन देन है, जो हमारे ड्रीम्स है वो पूरे होंगे। नमस्कार, दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सुनी डोगरा। कहते हैं किसी ने सच ही कहा है कि किसी चीज़ की लत लग जाए और वो लग ही जाती है, और वैसे ही एक लत लग चुकी थी ड्रीम इलेवन आईपीएल मैच जो था वो रोज़ाना लगाना शुरू हो गए थे और लालच जो है वो आगे बढ़ता ही जाता है। लालच की बात करें वहीं पे ये मामला अब क्या है आपको बताते चलूँ। एक शख्स की बात करें जो कि पीएनबी बैंक का कर्मचारी है, मैनेजर है यूँ कह लीजिए, और उसको ड्रीम इलेवन की ऐसी लत लग चुकी थी कि वो इतना ज़्यादा लालच जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया कि वहाँ पे आपको बताते चले अपने बैंक में जो कस्टमर आते थे पैसे जमा कराने के लिए उनके साथ ही हेराफेरी करनी शुरू कर दी और यूँ कह ले कि उनको पागल बनाना शुरू कर दिया। जब भी कोई पैसे जमा करवाने आते थे और उनको यही बोलता था कि सर्विस अभी डाउन है और उनको जो पैसे अमाउंट उनसे कैश लेता है वो उस पैसों की स्लिप काट कर उन तक दे देता है और यही कहता कि सर्विस डाउन है, शाम तक आपके पैसे जमा हो जाएंगे। और एक ऐसा ही वाक्य नजर आया, आपको बताते चलो, बैंक कर्मचारी ने लोगों से ठगे करोड़ों, एक चुकाने वाली जो घटना है, ये घटना आपको सबसे पहले बताते चलो, घटना में हरियाणा जिले के कैंथल में पीएनबी शाखा के एक बैंक कर्मचारी ने कथित तौर पर बैंक के ग्राहकों के खातों से 1,70,00,000 रुपए निकाल लिए और वहीं पे जब खातेदार पैसे जमा कराने के लिए बैंक में आते थे तो ये शख्स जो है, यूं कह लीजिए आरोपी जो है, ये कहते हुए उन्हें जमा रसीद देकर नेटवर्क कनेक्शन के कारण नकदी काम जो है वो राशि जो है वो इस वक्त जमा नहीं हो गई, उनको ये चीज़ बताई जाती थी वहीं पे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि जो ये आरोपी है ग्राहकों के खातों से जमा करने के बजाय आपको बताते चलूँ ड्रीम 11 में गेम पर दाव लगाने के लिए नकदी पैसे अपने पास रखता था और वही पैसे जो है ड्रीम 11 में लगा देता था और अपने ग्राहकों को झूठ बोलता था कि अभी हमारी सर्विस डाउन चल रही है, कृपया करके आपको शाम तक वेट कीजिए, और वो शाम आती नहीं थी, वो ग्राहक परेशान हो जाते थे। और वहीं पे बताते चलूँ ऐसे ही चलता रहा जब एक शख्स से उसने 1,00,00,000, मैं फिर से बताते चलूँ 70,00,000 रुपये जब एक शख्स ग्राहक जमा करवाने के लिए आया उसके पास तो इसका लालच बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। और ये शख्स के बारे में बताते चलूँ, ये ड्रीम इलेवन में पैसे रोज़ लगाने शुरू कर दिए और इसको यही लत लग गई, जब 2-3 करोड़ पे आएगा तो ये छोटी छोटी रकम है, 1,00,000, 10,00,000, 20,00,000 जो ये ड्रीम लैंड के लिए लोगों को पागल बना रहा है और जब ये जीतेगा तो सबको वापस दे देगा, ये लत लग चुकी थी। और वहीं पे आपको बताते चले कि उसके बाद आपको बताते चले चौंकाने वाली बात की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार मामला तब सामने आया जब उस बैंक का एक खाताधारक संजय नाम का शख्स उसके बैंक में 1,30,00,000 रुपए जमा करवाने गया और वहाँ पहुँचने पर जब उसने पैसे जमा किए तो उसे नकद पर्ची मिली, यानी कि इस पर्सन ने नकद पर्ची दे दी, लेकिन उसे भी बताया गया कि कैशियर की उसकी राशि उसके खाते में जमा कर दी जाएगी। उसने जब ये शख्स वहाँ पे जाता है 1,30,00,000 रुपए जमा करवाने के लिए, संजय नाम का शख्स, उसको भी ये यही कहता है कि आपकी राशि जो है वो जमा कर दी जाएगी और उसको आपको बताते चलूँ उसको एक रसीद दे के खाते में जमा करा दी जाएगी। और वहीं पर शाम के बाद में सर्वर डाउन होने की स्थिति में, हालांकि जब पीड़ित को अपने खाते में पैसा नहीं मिला, यानी कि संजय जो है उसको जब रसीद दे दी गई है, उसको भेज दिया गया भाई आपकी राशि जो है वो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है और आप जाइएगा आपकी राशि जो है वो जमा हो जाएगी, वहीं पे संजय ने देखा कि बैंक का एम्प्लॉय है और फ्रॉड तो कर नहीं सकता, तो उसने जो ये जो शख्स है इसने रसीद दे दी और उसको वापस भेज दिया। वहीं पर जब संजय जो है, संजय अपने घर पर चला जाता है रसीद लेकर, शाम का समय होता है तो उसको टेंशन हो जाती है कि अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे जमा क्यों नहीं हुए, तो वहीं पे तो उसे संदेह
हुआ और उसने पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी बैंक के प्रतिबंध धर्मपाल गिल से संपर्क किया जो कि वहां के मैनेजर हैं। उन्होंने जांच शुरू की, पता चला कि पीड़ित ने कई अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी की है ग्राहकों के खातों से, यानी कि जो ग्राहक है उनके खातों से पैसे जो है, इस तरह के मामले इसने पहले भी किए हैं। वहीं पे मामला कथित पुलिस तक पहुंचा, कथित डीएसपी विवेक चौधरी ने रामबीर नाम के आरोपी को, इसका जो नाम है वो है रामबीर, को पकड़ लिया जो खाताधारों की सहित में बिना धोखे से पैसे निकाल रहा था। और वहीं पे आरोपी के बारे बताए तो क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगाने का आदि था और इसके लिए उसने अपनी जमीन भी बेच दी गई थी। और जो बता दूं, फिर से बताते चलूं, इतना ज्यादा इसको नशा लग गया था, क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने का आदि हो चुका था और यहां तक कि उसने अपनी घर की जो जमीन थी वो भी बेच दी। और पूछताछ के मामले में जब पूछा गया तो उसने खुद बताया कि मेरे को इसका नशा हो गया है क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने का और मैंने जो अपनी घर की जमीन थी वो भी बेच दी। और फिर से बताते हैं चलो, अगर आप भी बैंक में जाते हैं तो सभी बैंक ऐसे नहीं होते, सभी बैंक के एम्प्लॉय ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ तो होते हैं। और ये मामला जो है, मैं फिर से आपको बताते चलूं, ये जो मामला निकल के सामने आया है ये वही है, कर्मचारी बैंक कर्मचारी ने लोगों से ठग गए पैसे। और ये हरियाणा जिले के कैंथल में पीएनबी शाखा के एक कर्मचारी का मामला जो है वो सामने आया। मैं फिर से बताते चलूं, हमारा बताने का फर्ज यही है कि अगर कोई एक हमें जो लट लग जाती है वो बुरी बात है, यहाँ तक कि इसको सट्टा ये लगाता था, सट्टा लगाने की आदि हो चुका था ये शख्स, जो कि अपने घर की जमीन भी बेच दी थी और यहाँ तक कि बैंक कर्मचारी था और वहां पे आने वाले लोगों से पैसे भी ठगने शुरू कर दिया था और रसीद देने की कोशिश करता था कि शाम तक पैसे जमा हो जाएंगे, लेकिन वो शाम नहीं आती थी, सारा पैसा क्रिकेट में लगाता था। और आप लोग भी जब बैंक में जाते हैं, सभी बैंक एक जैसे नहीं होते, लेकिन कृपया करके ध्यान दीजिएगा कहीं ऐसा एक और शख्स ना निकल आए जिसको सट्टा लगाने की आदत हो जाए, या यूं कह ले ड्रीम इलेवन के नशे की लट लग जाए कि कब हम 2 करोड़ रुपया जीतेंगे, और वो ना 2 करोड़ आएगा और ना ही कुछ सामने दिखाई देगा, लेकिन लट ऐसी लग जाती है कि घर के बर्तन तक बिक जाते हैं। और आप लोग भी ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा, लालच करना बुरी बला है, मेहनत कीजिएगा, मेहनत का फल बड़ा मीठा होता है। अगर आप लालच करोगे, अगर आप यूं कह ले कि ये एक किस्म का, अगर हम जैसे कि कोई जुआ खेलते हैं, जुआ ही है, अगर जीत या हार, एक बार अगर आप जीतोगे तो आपको लालच लग जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं हर बार आप जीतोगे। कृपया करके आप लोग भी ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप भी इसकी लट ना लग जाए और इस जैसे शख्स से थोड़ा सावधान रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो और भी कहीं बैंक में अगर आप पैसे जमा करवाने जाओ तो इस तरह का कोई और शख्स मिल जाए जो कि आपको बोले कि रिसीविंग ले लीजिए और पैसे जो है शाम तक जमा हो जाए, आपको बाद में पता लगे कि शाम वो है, वो शाम कभी आई ही नहीं। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़, कैमरामैन गगन के साथ सुनिए डोगरा को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।